एक दिन कहीं से एक सांप आया और एक स्टोर रूम में घुस गया। स्टोर रूम में अंधेरा था। अंधेरे में सांप किसी चीज से टकरा गया और थोड़ा जख्मी हो गया। फिर क्या, सांप पर गुस्सा चढ़ गया और उसने अपना फोन उठा लिया। उसने उस चीज को डसने का प्रयास किया जिससे वह टकराया था। इस प्रयास में वह अपना मुख भी जख्मी कर बैठा, क्योंकि वह चीज कुछ और नहीं बल्कि धारदार तलवार थी। एक ऐसी चीज जिस पर सांप का बस नहीं चलने वाला था, लेकिन गुस्से ने सांप को जकड़ रखा था। फिर उसने वही किया जैसा सांप अक्सर किया करते हैं। वह तलवार से कस कर लिपट गया और दबाव बनाकर उसका दम घुटने के प्रयास में लग गया। फिर वही हुआ जो होना था। तलवार की तेज धार से उसका पूरा शरीर लहूलुहान हो गया। अगले दिन स्टोर रूम के मालिक नथुराम ने जब स्टोर रूम खोला तो वहां तलवार से लिपटे एक सांप को मरा हुआ पाया। क्रोध पर कोई नियंत्रण न होने के कारण सांप ने अपने प्राण गवा दिए। कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। कहानी आगे बताने से पहले, अगर आप लाइफस्केप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और क्लिक कीजिए बेल बटन पे, जिससे आपको मिलते रहे लाइफ एंड हेल्थ एजुकेशन से जुड़े वीडियोस के नोटिफिकेशन। चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। स्टोर रूम के मालिक नथुराम का स्वभाव भी कुछ ऐसा ही गुस्से वाला है। वो भी हर छोटी छोटी बातों में गुस्सा कर देता है, लेकिन नथुराम को ये नहीं मालूम कि जब वो गुस्सा करता है तो उसके शरीर में कितना नुकसान हो जाता है। क्योंकि जब हम गुस्सा करते हैं तब हमारे मगज में आए हुए बादाम आकार का छोटा सा स्ट्रक्चर अमिगडाला उस काम पे लग जाता है, यानी कि वो एक्टिवेट हो जाता है। अभी अमिगडाला एक्टिवेट इसलिए हो जाता है क्योंकि वो गुस्से को खतरे के रूप में देखता है, इसीलिए शायद एंगर यानी डेंजर कहा जाता है। अभी खतरा देखने की वजह से अमिगडाला पूरे शरीर में एनर्जी लाने का काम कर देता है, यानी कि वो कुछ ऐसे रसायन को एक्टिवेट कर देता है, ऐसे केमिकल शरीर में डाल देता है जिससे पूरे शरीर में एनर्जी फैल जाए। और उस रसायनों का नाम है कोर्टिसोल, एड्रिनालिन, नोरएड्रिनालिन, जिसे मेडिकल की भाषा में हॉर्मोन्स भी कहते हैं। अभी कोर्टिसोल, एड्रिनालिन और नोरएड्रिनालिन क्या करते हैं? वो शरीर के अलग अलग अंगों में जाके वहाँ अपना प्रभाव जमा देते हैं। फिर क्या, हमारे मस्तिष्क में रक्त प्रवाह कम हो जाता है, मांसपेशियों में रक्त प्रवाह बढ़ जाता है, उसी के साथ रक्त में शर्करा यानी कि ग्लूकोज का प्रमाण भी बढ़ जाता है, हृदय की गति बढ़ जाती है, सांस फूल जाना, पसीना बढ़ जाना, पाचन कम हो जाना, ये सारी तकलीफें शुरू हो जाती है। और इसी सब के साथ हमारे मस्तिष्क का आगे का भाग जिसे प्री फ्रंटल कोर्टेक्स कहते हैं, जिसका काम है सही गलत का फैसला लेना, वो भी काम करना बंद कर देता है। और उसी की वजह से गुस्से में हम अक्सर गलत फैसले ले लेते हैं। जब गुस्सा शांत पड़ता है तब ये एनर्जी का जो लेवल है वो तुरंत से डाउन हो जाता है, और उसी की वजह से सिर में दर्द होना, पूरे शरीर में थकावट महसूस होना, मांसपेशियों में दर्द यानी कि हाथ पैर गर्दन ये सारी चीज दर्द करने लगती है। जब एक गुस्सा बार बार करते हैं, दिन में कहीं बार हम छोटी छोटी बातों पे गुस्सा कर देते हैं, तब क्या होता है? वही जो नथुराम को है। नथुराम को अभी एक बार हार्ट अटैक आ चुका है और अभी कोलेस्ट्रॉल की दवाई खा रहा है, ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, ब्रेन में एक छोटा सा ट्यूमर है जिसकी वजह से उसकी याद शक्ति कमजोर हो गई है, एलर्जी है जिसकी वजह से बार बार जुकाम हो जाता है, उसी के साथ नींद ना आने की वजह से दवाई भी खा रहा है। दूसरी ओर नथुराम के गुस्से से परेशान उसकी पत्नी कांता बहन मन ही मन में पूरा दिन नथुराम को कोसती रहती है और नथुराम पे गुस्सा निकालती रहती है। हालांकि वो गुस्सा बाहर दिखाती नहीं है, लेकिन अंदर ही अंदर गुस्सा दबाती रहती है। और उसी की वजह से कांता बहन की जो रोग प्रतिरोधक शक्ति है, जिसका काम
वैसे तो बाहर के बैक्टीरिया वायरस से लड़ना है, लेकिन यहाँ पे वो कांताबेन के शरीर के सामने ही लड़ने लगी है, जिसको हम ऑटो इम्यून डिजीज कहते हैं। कांताबेन को अभी रूमेटोइड आर्थराइटिस यानी कि जिसमें जोड़ों का दर्द रहता है वो बीमारी है, साथ ही साथ में सोरियासिस जो एक त्वचा की बीमारी है वो भी है, साथ ही में माइग्रेन की भी तकलीफ आ चुकी है। अभी आप ही सोचिए, जो पति पत्नी अपने अपने गुस्से की वजह से ही इतनी बीमारियां शरीर में लेके घूम रहे हैं, वो अगर अपना गुस्सा करना बंद कर दे तो कितना अच्छा हो सकता है, कितनी उसकी दवाइयां कम हो सकती है। हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर ज्योति। आज मेरा प्रयास यही था कि नथुराम की कहानी के जरिए आप लोग ये समझ सके कि आप ही का गुस्सा कैसे है डेंजर आप ही की हेल्थ के लिए। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो शेयर कीजिए दूसरों के साथ, जिससे दूसरे भी जान सके कि गुस्सा कैसे डेंजर चीज है।